गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सबसे पहले जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। दिस इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन देखते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन मतलब हीट करके। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड एज थर्मियॉन्स। इसके लिए हम लिखते हैं थर्मियोनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट। दिस इज अ फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट from a heated filament coated with heated filament coated with barium oxide BaO. This phenomena is called thermionic emission. So these electrons are called thermions. These released electrons. These released electrons are called as thermions. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए thermions जो है वो electrons हैं which are released after heating a filament, जो filament को heat करने से निकलते हैं। Then next phenomena is photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट और इजेक्टेड व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन ए सरफेस, दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट और इजेक्टेड, इजेक्टेड व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी falls on surface. These released electrons are called photoelectrons. These released electrons are called as photoelectrons. ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन से जो रिलीज होते हैं दे आर कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट एमिशन इज कॉल्ड एज फील्ड एमिशन। व्हेन अ मेटल सरफेस इज प्लेस्ड in strong electric field, when a metal surface is placed strong electric field, ठीक है, so when a metal surface is placed in strong electric field, then electrons are ejected out. These released electrons are called as field electrons. अगर हमने कोई मेटल सरफेस रख दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं. सो दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फील्ड इलेक्ट्रॉन्स. दीज इलेक्ट्रेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फील्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो लास्ट टाइप ऑफ एमिशन इज सेकेंडरी एमिशन. सो नाउ व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स देन दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एंड दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. इस टाइप के एमिशन को बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन. मतलब सेकेंडरी का मतलब होता है जब किसी मेटल प्लेट को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में रख देते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उससे हिट करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं मेटल प्लेट में से, तो वो जो निकलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. तो दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एमिशन. लिखते हैं व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ fast moving electrons these electrons eject out electrons present in metal. ठीक है ना. so these electrons eject out electrons present in metal. This phenomenon is called secondary emission. Released electrons are called as secondary electrons. Released electrons are called as secondary electrons. तो कभी आपसे पूछ ले what are secondary electrons, तो अभी हमें clear है. Secondary electrons are those electrons which are released from metal when placed in the path of fast moving electrons. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं हम next topic की तरफ. So next topic is photon. So what is a photon? So photon is a packet of energy. It is coming from source of radiation. Photon is a packet of energy. And is coming from source of radiation. ठीक है जी. So next is what are the main features of this photon? Main features देख लेते हैं. Main features of photon. तो आइए देखते हैं इसको. What are the main features of photon? Photon travels with speed of light. Every photon travels with speed of light, which is 3 × 10⁸. That is 3 × 10⁸ meter per second. Its speed changes as medium changes. So speed medium पे dependent है. As medium changes, depends upon medium. So it has no charge. Rest mass of photon is zero. Rest mass of photon is zero. अच्छा, एक तो rest mass zero है. वैसे अगर हमें mass निकालना है तो हम
इसको इक्वेट करते हैं इसकी एनर्जी को एम सी स्क्वायर से, तो उससे निकालते हैं क्योंकि इसका चार्ज नहीं है, सो इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और जो एनर्जी है फोटोन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन, लिख सकते हैं हम, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, E is directly proportional to nu, so E is equal to h nu. H तो Planck's constant है, ऐसे भी लिख सकते हैं, H is Planck's constant. हाँ जी सर, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज़ ज़ीरो, तो मतलब उसका इनफिनाइट मास होगा? नहीं, रेस्ट मास मैं अभी बताने जा रहा हूँ, देखो अब नेक्स्ट उस पे देखो क्या बोल। कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन, ठीक है जी, हमें मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है। So equate energy of photon with mc square. Therefore, m is equal to h by c lambda. This is mass of photon. Mass of photon moving with speed of light. ठीक है ना? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वैसे हमने आगे पढ़नी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, बट आपको यह ध्यान रखना है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है फोटोन की वो वही है जो उसकी अपनी रेडिएशन की वेवलेंथ होती है डी ब्रोगली, देयरफॉर लैम्डा डी विल बी इक्वल टू वही लैम्डा जो रेडिएशन का लैम्डा होता है, तो इट इज द सेम इन केस ऑफ फोटोन, फोटोन के केस में वो सेम है, ठीक है जी। आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन टू फोटोन्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, when two photons move towards each other with speed c, c is speed of light, ठीक है, जब speed of light से move करते हैं then magnitude of relative velocity, is ठीक है जी। तो ये हमें पता करना है कि क्या इसमें बनता आंसर। तो इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है, सो नो इसके अंदर स्पीड ऑफ फोटोन जो है दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन सी, स्पीड ऑफ फोटोन्स
कोई भी वेलोसिटी इनफैक्ट हो, वो अभी कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये वैल्यू ऐड हो जाती है, सी प्लस सी बिकम्स टू सी। बट हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज ऑलवेज सी, तो हेंस ऑप्शन इज बी, इसका ऑप्शन हमेशा बी रहता है। नॉट जीरो, इट इज बी। अगर फोटोन जो है दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जो भी वेलोसिटीज होती हैं वो ऐड हो जाती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी करोगे तो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो एक नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो ऐड हो जाती है, 2c बनता है। बट एक्चुअल में 2c पॉसिबल नहीं है क्योंकि, अरे तो वही बात है ना, न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है रिलेटिविस्टिक में, तो इसलिए मैक्सिमम इज सी करोगे तो वैसे ही, बट वो 2c आ गया आंसर हमारा, 2c आने की वजह से वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी स्पीड जो है वो सी से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए वो फिजिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर है बी पार्ट, सी इज द आंसर, सी से ऊपर हो ही नहीं सकता। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज अ फिनोमेना विच प्रूव्स रेडिएशन एज मैटर, इज अ फिनोमेना। To prove radiation as matter, ठीक है जी। तो आइए इसका हम स्टार्ट करते हैं, इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सरफेस, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सरफेस when a light of suitable frequency is made to fall on the surface is called as photoelectric effect. Emission of electrons from a surface when a light of suitable frequency is made to fall on the surface is called photoelectric effect. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी लाइट की वजह से कभी अगर इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से निकले तो वो फिनोमेना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, दैट The incoming frequency जो है that must be greater than threshold frequency. The incoming frequency must be greater than threshold frequency. ठीक है, और the incoming wavelength must be less than threshold wavelength. The incoming wavelength must be less than threshold wavelength. For फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे ये कि फॉर दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द इनकमिंग वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको कि जो दिस फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मस्ट बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये आएगा फोटोइलेक्ट्रिक
इक्वेशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में जो इंसिडेंट एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये ऐसे लिखते हैं। दिस इज इंसिडेंट एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है फोटोन की फॉर्म में, इंसिडेंट एनर्जी। दिस फाई इज नोन एज वर्क फंक्शन, ठीक है। दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी हम यहां लिख लेते हैं। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, टू जस्ट रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये आ जाएगा phi इज इक्वल टू एच न्यू नॉट एच सी बाई लैम्डा, ठीक है जी। ये आ गया वर्क फंक्शन। और के ई जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसको कंप्लीट करते हैं कि किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। सो के ई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देयरफॉर ये आ गया इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई। तो ये आ जाएगा एच न्यू, ये आ जाएगा एच न्यू नॉट प्लस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यू इज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये आ गया ऐसे, तो इसको आप ऐसे इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हो, 2 बाय एम एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ जाता है। और यू इज इक्वल टू 2 बाय एम सी बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ये आ जाता है। तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिनोमेना, नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नाउ नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। And it does not depend upon frequency. Does not depend upon frequency. ठीक है। Second, इसमें आप फोटो करंट भी समझ लीजिए क्या होता है। फोटो करंट जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट,
फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस. इट विल टेक प्लेस व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन threshold frequency. ठीक है जी, ये तभी होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो threshold frequency से ज्यादा होगी. The time lag between photon hitting the surface and release of electron, photo electron जो release हो रहा है, it is almost 10^-9 second, almost instantly. So this is the time lag between photon hitting metal surface. And release of photoelectron. Is almost nanosecond, but 10^-9 second. ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बोलते हैं इसको. ठीक है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ये रिलीज हो जाता है यहाँ से. तो नेक्स्ट है वेरिएशन. ऑफ फोटो करंट वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट ये हमने वैसे यहाँ पे लिख ही लिया था इसके बारे में कि फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के साथ. तो इसको हम देख लेते हैं एक बार. ये बनेगा इसका वो इस टाइप से बनेगा. दिस इज फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी. ठीक है, दिस इज फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. यही हमने यहाँ पे लिखा है. तो फोटो करंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है इसमें, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेज इंटेंसिटी. नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट नेक्स्ट इसको इसमें देखते हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम इसको. वेरिएशन ऑफ फोटो करंट variation of photocurrent with potential difference applied between plates. Potential difference applied between plates. तो इसको देखते हैं हम. So, इसमें अब photocurrent का variation देख रहे हैं हम potential difference के साथ. इसमें A part है. ये पार्ट कह रहा है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, व्हेन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट बट इंटेंसिटी वेरीज. ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पे.
ये इस तरह से आएगा, ये ऐसे हो गया यहाँ पे, इंटेंसिटी हो गई इसकी आई वन और ये आ गया इंटेंसिटी आई टू, जब फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये माइनस वी नॉट आ गया। इधर आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटो करंट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि सैचुरेशन करंट, ये फोटो करंट की बात कर रहे हैं, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो सैचुरेशन करंट भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। अभी देखते हैं कट ऑफ पोटेंशियल होता क्या है। कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक बार ये यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। बोलिए सर, सैचुरेशन करंट का क्या मतलब हुआ? सैचुरेशन करंट का मतलब है बस उसके बाद करंट बढ़ता नहीं है, ओके सर, बढ़ेगा नहीं करंट। नेक्स्ट इज दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, इसके लिए हम देख लेते हैं, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्टॉप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्टॉप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनको रोकने के लिए जो हम लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट हैज नेगेटिव वैल्यू, थोड़ा मैग्नीट्यूड में भी इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट, V naught is known as cutoff potential or stopping potential or stopping potential. Now, the cutoff potential that depends only on frequency and not on intensity. So, right, cutoff potential depends only on frequency. कट ऑफ पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, आपने देखा क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है बट फ्रीक्वेंसी सेम है, कट ऑफ पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, तो इसलिए इसका जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा दैट विल रिमेन सेम फॉर बोथ द रेडिएशन, जिनकी इंटेंसिटी अलग अलग दी होगी तो, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें हम करते हैं बी पार्ट, सेम फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे व्हेन इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट है बट फ्रीक्वेंसी वेरीज, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है इस केस में, तो अभी ये इस तरह से आएगा हमारे पास, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास
ये आएगा इधर फोटो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये ऐसे ले लेते हैं, मैं आपसे ठीक है जी, ये देख लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वी नॉट वन माइनस वी नॉट टू, कट ऑफ पोटेंशियल दो का अलग अलग हो गया, सैचुरेशन करंट सेम हो गया क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, सैचुरेशन करंट रिमेन सेम क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एक ही इंटेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसी न्यू टू, ये है न्यू वन, फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन, ठीक है जी। ये सब हमने पीछे जैसे लिखी दिया है कि कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वी नॉट वन वो लेस देन हुआ मैग्नीट्यूड वी नॉट टू से, ठीक है ना, वो भी इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकंड की ज्यादा है, उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये प्रीवियस पेज में देख लीजिए, ये था ठीक है। अब हम यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है जी। आइए इसको देख लेते हैं, ये E incident is equal to work function plus kinetic energy, तो ये आ गया H nu is equal to H nu naught plus kinetic energy, ये आ जाएगा EV naught, ये भी हमने पीछे लिखा था half mu square is equal to EV naught, frequency आ गई है nu naught, प्लस E by H V naught, तो कट ऑफ पोटेंशियल ये हो गया E V naught by H equal to nu minus nu naught, V naught आ गया H by E frequency minus H by E nu naught, ठीक है, this is cut off potential, cut off potential, this is cut off potential, this is frequency, frequency of incident radiation, ठीक है जी। याद तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको ड्रॉ करते हैं। न्यू वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, ठीक है, तो this is V naught versus frequency, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ये जो है दिस इज, इसको कैसे हम लिखते हैं, ये वैल्यू होगी माइनस एच बाय ई न्यू नॉट, ठीक है, इससे हमें पता चलता है स्लोप ऑफ वी नॉट
वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच बाय पी इंटरसेप्ट माइनस एच म्यू नॉट बाय ई. ठीक है जी, ये आ गया. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. ध्यान रखना आपको, यहां से हमने स्टार्ट किया था वेरिएशन ऑफ फोटोग्राउंड वर्सेस इंटेंसिटी. इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, देन वेरिएशन ऑफ फोटोग्राउंड विद पोटेंशियल डिफरेंस है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फर्स्ट, देन कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट सेकंड. बी पार्ट सारा हमने दिखाया किस तरह से ये वेरिएशन रहती है. ठीक है, और ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करके काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने कट ऑफ पोटेंशियल डाला हुआ है, और कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ से. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When frequency of incoming radiation is doubled, when frequency of incoming radiation is doubled, then kinetic energy of photoelectrons, then kinetic energy of photoelectrons is A part doubled, B part halved, C part more than doubled. Remains same. ठीक है जी, आइए देखते हैं. तो using photoelectric equation, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हमने डबल कर दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को, तो फाइन आउट तो सेम है, के डैश को फर्क पड़ेगा. तो इसको डिफरेंस ले लेते हैं, टेक डिफरेंस. जैसे इसमें डिफरेंस लेते हैं, दिस इज टू एच न्यू माइनस एच न्यू, फाइन आउट प्लस के डैश माइनस फाइन आउट माइनस के. एच न्यू इज इक्वल टू के डैश माइनस के, सो के डैश इज एच न्यू प्लस के. देयरफॉर के डैश इज एच न्यू की वैल्यू डाल देते हैं, फाइन आउट प्लस के प्लस के, के डैश आ गया फाइन आउट प्लस टू के. काइनेटिक एनर्जी बिकम मोर देन डबल्ड, आप चेक कर सकते हैं. सी पार्ट इज द राइट आंसर. ठीक है, kinetic energy becomes more than doubled. Check कीजिए, ये initial था frequency पे, frequency double कर दी, kinetic energy फर्क पड़ेगा. Metal तो same है, difference लेते हैं तो ये आ जाएगा, a dash की value आ गई h nu plus k, h nu यहाँ से डाल दिया हमने, तो ये 2k plus something आ रहा है. ठीक है, आइए next पे आते हैं. The work function of potassium is 2.3 electron volt if lambda is 2800 angstrom falls on potassium. Work function दिया हुआ है और incident wavelength दे दिया हमें. Find kinetic energy in electron volt of most energetic इलेक्ट्रॉन्स जो भी इजेक्ट हुए हैं, इजेक्टेड. स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट्स. ठीक है जी, वोल्ट्स के अंदर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना है. क्लियर है बात ये? तो आइए अब इसको हम फॉर्मूला जो है वो देखते हैं क्या था.
उससे स्टार्ट करते हैं. इंसिडेंट एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा. अब इसको क्योंकि हमें सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो नोट दिस डाउन दैट एच इंटू सी को आप लिख सकते हो 12400 एंड पुट लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग टू गेट एनर्जी ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधा. ठीक है जी, तो ये हम डाल देते हैं यहाँ पे. देखिए इंसिडेंट एनर्जी आ गई एच सी 12400 बाय 2800. दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इंसिडेंट एनर्जी आ गई 124 बाय 28. थर्टी वन बाय सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास. चेक कर लेते हैं इसको. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इक्वेशन तो हमें बताइए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन देखते हैं. इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो ये है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन कितना है, दिस इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना है हमें. तो ई अगर हटा देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, कट ऑफ वोल्टेज. देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज निकालने का तरीका होता है उसका, दैट इज इक्वल टू 2.1 वोल्ट्स. ठीक है, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज. ठीक है, तो जो कट ऑफ वोल्टेज है हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसको डिवाइड कर दीजिए ई से तो वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास सीधा. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल. वर्क फंक्शन गिवन है फोटो सेंसिटिव मटेरियल का, इट इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज गिवन है हमें, इट्स कट ऑफ वोल्टेज इज 5 वोल्ट. देन इंसिडेंट वेवलेंथ lies in UV region, yes, ultraviolet, visible region, infrared or X-ray region. ठीक है जी, वर्क फंक्शन है 5 नॉट, दिस इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कट ऑफ वोल्टेज 5 वोल्ट. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम उसकी वैल्यू आ जाती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इंसिडेंट आ गया वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स
दिस इज 6.2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ गई 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम इंसिडेंट वेवलेंथ एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग दिस एचसी बाय लैम्डा। ये है 11.2 12400 बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12400 बाय 11.2 एमस्ट्रॉन्ग। सो लैम्डा इज 124 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, इसको हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आती है जी देखते हैं इसकी। ये वैल्यू आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय 112, सो लैम्डा इज 110.7 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, तो ये जो लैम्डा है इट लाइज इन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाइज होता है। ठीक है जी, यूवी रीजन का वेवलेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिलीवॉट ऑफ 400 नैनोमीटर लाइट इज डायरेक्टेड एज अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। If 0.14 of incident photon produces photoelectrons, find current in cell. ठीक है, हाँ 1 कितना था वो स्टूडेंट बता रहे हैं, मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है 124। अच्छा, एक जीरो कम कर दिया मैंने इनटू 10, हाँ तो कोई बात नहीं, 1107.14 आ रहा है। ठीक है, तो भी कमी है वो। ठीक है, तो भी यूवी रीजन में है। ठीक है, भी यही है क्योंकि जो विजिबल रीजन है वो 3500 से स्टार्ट होता है, से पहले यूवी रीजन ही है सारा। फाइंड करंट इन द सेल, ये देख लेते हैं एक बार। सॉरी, ये है ऑन होगा ये। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके अंदर, ये बता रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, वो होता है पी पावर लैम्डा बाय एच सी। ठीक है, और ये पर सेकंड फोटोन हिट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड वो कितने जनरेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड पर सेकंड। उन्होंने यह बताया हुआ है 0.14 इनटू पी लैम्डा बाय एच सी कितने हो रहे हैं। पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं 0.14 इनटू पावर 1.5 इनटू 10 की पावर माइनस 3, लैम्डा है 4000। इसमें हमें इसको उसमें करना पड़ेगा, एसआई में करना पड़ेगा, तो दिस इज 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9, एच इंटू सी दैट इज 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26, एसआई यूनिट में लिखना हो तो ऐसे है। ठीक है जी, आइए इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड. दिस इज इक्वल टू 0.14 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, इंटू 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26, ठीक है जी. आइए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ जाती है इसमें. दिस इज 0.14 इंटू 1.5 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 20, ये वैल्यू आ जाएगी 4.2 इंटू 26 12, 4.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1.4, ठीक है, इतने फोटोन्स आ रहे हैं. देयरफॉर फोटो करंट ये आएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 14 इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9, इतना एम्पियर करंट बनेगा. ये देख लेते हैं, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 6.72 इंटू माइनस 5 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 67.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, 67.2 माइक्रो एम्पियर इज द करंट. ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको. हाँ जी सर, आपने लास्ट वाली स्लाइड पे फोटो करंट निकालने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करा है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. फोटो करंट का फॉर्मूला है, जितने भी नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो, फोटो करंट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, ठीक है ना, 1.6 इन 10 के और माइनस 19 कूलम्स. ठीक है बेटा, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.